व्हाट्स अप? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो आप? एकदम बढ़िया. ओह माय गॉड, लॉन्ग टाइम. कितने, ऐसा लग रहा है मैं सालों बाद आपको देख रही हूँ. लिटरली मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मैं सालों बाद आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो. मैं बदल गया, मेरी दाढ़ी बदल. हाँ ठीक है ठीक है, अभी आ गया. या आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसे आप लगते थे, लेकिन मेरी दाढ़ी बढ़ गई. ये बड़ा, ये माहिर लुक है. बीच में आपने अपने नेक्स्ट शो के लिए चेंज कर लिया था ना, दिस इज नहीं, ये माहिर से थोड़ी सी ज्यादा दाढ़ी है. थोड़ी ज्यादा, ये कबीर सिंह वाला लुक, ये जो बीच में मेरा बाबा वाला लुक भी आ गया था. अच्छा, उसमें मैं हूँ, अली फजल है और यूनिवर्सल का है, और विशाल मिश्रा ने गाया है जिसने वो कबीर सिंह लाइक हू वन द फिल्म फेयर दिस ईयर. अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस. चलो चलो जी, सारे कांग्रेचुलेशंस करो सुरभि को भी. कांग्रेचुलेशंस. मैं 100% उसका कवर गाऊंगा, मैंने 15-20 वीडियो बना के पोस्ट कर देने. अच्छा लगेगा, इट्स वेरी लाइक, सिंस आई नो योर चॉइस, लाइक दैट इज द सॉन्ग जो यू विल लव इट. आप पक्का? कब रिलीज हो रहा है? 9th April. 9th April. पक्का पक्का, इट्स गोना बी द बिगेस्ट हिट ऑफ दिस ईयर. ऑल माय ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग इज विद यू. आर विद यू. थैंक यू, थैंक यू. व्हेन इज योर नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग? माय नेक्स्ट सॉन्ग आई थिंक अभी 2 महीने और है, बन गया गाना, रेडी है. गाने का नाम है जिक्र और इट्स अ हिंदी रोमांटिक सॉन्ग. सॉरी व्हाट? आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ गाना बन गया है, गाने का नाम है जिक्र और इट्स गोना बी अ हिंदी रोमांटिक सॉन्ग. द नेम ऑफ द सॉन्ग इज जिक्र. जिक्र इज आल्सो गोना बी अ हिंदी रोमांटिक सॉन्ग. अभी 2 महीने में आ जाएगा. जैसे शूट भी किया ना, द स्टोरी इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड इट्स लाइक पीपल विल कनेक्ट विद इट. हां, आई एम वेरी श्योर. यू आर अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. अली इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर. मैंने मिर्जापुर देखी है एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ बिग बिग हिट. जनरली क्या होता है ना, गाने कई सारे अच्छे होते हैं लेकिन वीडियो कई बार कमजोर पड़ जाता है, लेकिन आई एम वेरी श्योर. गाना तो मुझे नहीं पता जैसा भी होगा, लेकिन वीडियो माइंड ब्लोइंग होने वाला है. हां, गाना भी आई एम श्योर वेरी, इट्स गोना बी वेरी गुड. आपने चूज किया तो अच्छा ही होगा. आल्सो यार, विशाल इज एन अमेजिंग सिंगर. पर्ल डेफिनेटली, डेफिनेटली ही इज अ वेरी गुड सिंगर. आवाज हां, फिल्म फेयर मिला भाई, मजाक है कोई? व्हाट डू यू डू द होल डे? आई वर्क आउट, वॉच नेटफ्लिक्स. अभी मैंने ना द विचर करके एक सीरीज है वो खत्म की मैंने. हां मैंने सुना यार, इट्स रियली नाइस. लिसन, यू हैव टू वॉच बॉडीगार्ड. इट्स बॉडीगार्ड ब्रिलियंट. हां अच्छा, हां नेटफ्लिक्स पे उसके एक्टर को अवार्ड भी मिला. अरे वाह, गोल्डन ग्लोब. अरे वाह, जो द मेन गाय उसको मिला गोल्डन ग्लोब. इट्स ही इज आउटस्टैंडिंग, यू हैव टू सी हिम. बॉडीगार्ड है, आपको अच्छा लगेगा. मैं पक्का देखूंगा, आज ही शुरू करता हूँ. वैसे भी मेरी 4 अलग अलग लूप पे चल रही हैं. तो वन आई एम वॉच विचर, आई एम फिनिश्ड. आई एम वॉचिंग स्पार्टिकस, आई एम वॉचिंग डेयर डेविल, आई एम वॉचिंग अभी मनी हेस्ट का 4th सीजन आया वो, एंड देन आई एम वॉचिंग दिस वाइकिंग्स 8th सीजन. ओह आ नहीं, 6th सही है ना, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड नाउ. तो चारों अलग अलग लूप पे चल रहे हैं दुनिया भर में. आप बताओ आप क्या करते हो सारे दिन? देखो, सुबह सुबह उठ के ऐसे थोड़ा योगा कर लेती हूँ, ठीक है, एंड देन प्लांट्स को पानी दो, सफाई कर लो, खाना बना लो, एंड देन ऑफ कोर्स आई वॉच स्टफ लाइक नेटफ्लिक्स देख लो एंड ऑल दैट. वही यू मस्ट बी एंजॉयिंग. Yeah. Putting like 10 face packs on my face
इतना टाइम है क्या करो. अरे बाप रे, सारे सारे ट्राई कर लो आप, फिर ना वो करने लगना. वो नहीं होता, ब्रांड्स को बताते हैं लाइक व्हिच इज द बेस्ट वन. आई नो, क्रिटिक बन जाओ. हाँ, क्रिटिक. हाँ, फेस पैक क्रिटिक बन जाओ. You know what I do? Like even if I'm having a papaya, तो मैं पपीता मुंह पे लगा रही होती हूँ. अगर मैं टमाटर काट रही हूँ तो मैं टमाटर मुंह पे लगा रही होती हूँ. Like so willy. आप दाल चावल नहीं खाते कभी? हर चीज थोड़ी, अभी प्याज काट रही हूँ, थोड़ा प्याज मुंह पे लगाती हूँ. मैं पपीता खाती हूँ, पपीता मुंह पे लगा लेती हूँ. नहीं, बट पपीता इज वेरी गुड. पपीता, टमाटर, then you can put beetroot, then मैं आपको लिस्ट भेजूंगी घरेलू. मैं honestly बोल रहा हूँ, मुझे बताओ, मेरी स्किन खराब हो गई है. क्या हुआ है? सही तो है, ऐसे ना मार्क्स आ गए हैं. ये स्किन खराब हो गई है ऐसे क्या? अरे मेरी स्किन खराब हो गई है. सच? हाँ ऐसे मेरी स्किन खराब. नो, घरेलू कितना कुछ यार यू कैन पुट. पता है लाइक अभी तो मैं एक बुक लिख सकती हूँ घरेलू नुस्खे. आप मुझे भी बताना, मैं वो सारी चीजें लगाऊंगा. और सब लोग सुन लो, सुरभि की खूबसूरत त्वचा के पीछे पपीता, बीटरूट, टमाटर. और टमाटर मुझे नहीं पसंद. टमाटर और भिंडी, ये दो ही चीज नहीं पसंद, बस बाकी सब पसंद. टमाटर मुझे पता है ना, आप सेव पूरी में भी नहीं खाते थे. हाँ, I remember भैया सेव पूरी बिना टमाटर के. आज मैं कह रही हूँ यार, टमाटर क्यों नहीं आप टमाटर खाते? पता नहीं, मतलब इट्स नॉट अबाउट द टेस्ट, इट्स अबाउट आई थिंक जब वो कट करते हैं ना तो मुझे बड़ी ईजी फीलिंग आती है. आई कांट सी समवन कटिंग टोमेटो. वो पिलपिला सा नहीं होता. सब्जी में, सब्जी में डाला हुआ तो खाते हो ना? हाँ, सब्जी में डाला हुआ खा लेता, कच्चा नहीं खा पाता. ओह माय गॉड, माय मासी जस्ट कॉल्ड मी और नेटवर्क ही चला गया. हाँ भाई, ये जो क्वारंटाइन हुआ है ना, मतलब मेरे रिश्तेदार मुझे इतना फोन करते हैं. मेरे पापा मुझे दिन में 10 बार वीडियो कॉल करते हैं. 10 बार? हाँ. बेटे महाभारत, बेटा पता है इंस्टाग्राम पे क्या आया? रामायण आ गया है. बेटे न्यूज़ में क्या आ रहा है? बेटे खाने में क्या बनाया है? बेटा शाम की चाय पी ली. अरे कल रात को एपिक था. कल रात को मेरे जीजू का फोन आता है, दीदी, जीजू एंड फ्रेंड. So, they were just singing, पता नहीं अंताक्षरी खेल रहे थे क्या, और मेरे को फोन करके कहते हैं तेरे पे कहाँ से आया गोलू, जल्दी गाना गा. और वीडियो पे आउट ऑफ नोवेयर जल्दी गाना गा, तेरे ऊपर कहाँ से आया, कहाँ से. मैं क्या गाना क्यों गा? गेम शुरू कब हुआ? मुझे पता ही नहीं मैं गेम में हूँ. हाँ, मैं बैठा स्पार्टिकस देख रहा हूँ, सडनली वहां पे ग्लैडिएटर्स फाइट कर रहे हैं. मैं पॉज करके वीडियो चालू करता, कहते तेरे ऊपर कहाँ से आया गाना गा. और सारे कौन सा गाया? मैं कह नहीं, मैं नहीं खेल रहा. कौन सा गाना गाया? नहीं गाया, नहीं गाया, गाया ही नहीं, नहीं गाया. ओ शिट, सच अ स्पॉइल्ड बुक. नहीं गाया. गाना चीज़ था ना, क से कौन वो सा गाना? मस्ती कर लेते हैं, मतलब क से कौन सा गाना है? अरे भी आपका रिलीज हो गया होता तो मैं आपका गा देता. नहीं, बट कैसे गाना तो बताओ मुझे. कैसे? कोई ना कोई चाहिए, प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए, हम पे मरने वाला. दिल हो जा लुटाएंगे. मुझे अभी पता है मुझे सडनली क्या फीलिंग आई, मुझे ऐसा लगा कि आप शॉर्ट के लिए बता देंगे. हाँ, फक रेडी है. रेडी. लाइक हम ऐसे बातें कर रहे हैं, बातें फनी यार, मम्मी बुला लेंगे शॉट के लिए. सडनली एकदम बुला लेंगे, यही होता था ना हमेशा. हमेशा ही रेडी होते थे वो लोग. ऐसा लगता था इतनी इम्पोर्टेंट हम बातें कर रहे हैं, है ना. अभी हमारे लिए तो हर बात इम्पोर्टेंट है ना, चाहे हम कुछ भी बात करें.
एंड कभी भी हमको शॉट के लिए बुलाने के लिए रेडी हो जाते थे, बड़ा खराब लगता था, खाना भी नहीं प्रॉपर. लेट्स से थैंक यू टू ईच एंड एवरी बेहर फैन पर्ल, इतनी खूबसूरत एडिटिंग, ओहो हो हो किलर. अरे दे 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 दे, कैसे कर लेते हैं आप लोग, आज भी मैं सोच रहा था, मतलब अगर आपकी इतनी प्यारी कोई ऐसे करके है ना, मेरी भी कोई ऐसे करके फोटो ढूंढ के उसको ऐसा चिपकाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ये मैंने पर्ल के साथ फोटो कब खिंचाई, कब खिंचाई, मुझे लगता है मेरी तो एडिट. हां माइंड ब्लोइंग. और वीडियोस भी इतने प्यारे एडिट करते हैं, जैसे मेरा सीन चल रहा है कोई बेपनाह प्यार का, मैं बात कर रहा हूँ, सामने इशिता खड़ी हुई है, वहाँ पे कोई नागिन का सीन जिसमें, या कुबूर है का कोई सीन जिसमें आप खड़े हुए हो और आप बात कर रहे हो, तो ऐसा लगता है हम दोनों का सीन चल रहा है. और लाइटिंग वाइटिंग सब मैच कर लेता है, मुझे लगता है आप लोगों को हमारा एडिटर होना चाहिए. अडोरेबल, कैसे कर लेते हैं आप लोग, I actually genuinely feel blessed. मुझे लगता है कि आप लोग कैसे really really value it, मतलब आप जो भी हमें कितना प्यार करते हैं ना, कितना कुछ देखो लिख रहे हैं, magical couple, munchkins, you are the best, ये वो, my goodness, thank you guys, seriously we love you. We love you, यार. और बताओ, चलो इन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मन करता है आप लोग को घर आके हग करने का. हाँ, नागिन की बात, वो रंजन सर वाली बात बताएं जो रंजन सर ने ऊपर बैठे जो कैमरामैन से बात की थी. ओह शिट यार, मुझे याद आ गया. आपको एक बार आपको याद है हमारी ना, शायद ऊपर से नीचे आना था, हमारी एंट्री थी, कोई शादी का सीन था, हमारी ना बारी आई नहीं रही थी, नीचे रिटेक हुए जा रहा था. तो आप पता क्या कर रहे थे, आप मिर्ची लाइट से थर्माकोल में छेद कर रहे थे. और मिर्ची लाइट से हो ही नहीं रहा था, और आप मेरे को बोल रहे हो यार लेकिन जब मैं हाथ लगा रहा था तो मेरा हाथ जल रहा था. कौन सी था, नीचे ही तीन था, ड्रॉइंग रूम में ही तीन था, हम लोग हमारे वाले कमरे में थे ऊपर, ठीक है. अच्छा, बुलाई नहीं रहे, हम सबके आधार कार्ड की फोटोज चेक करने लग गए थे, अपने आधार कार्ड की फोटो दिखाओ, पैन कार्ड की फोटो दिखाओ, याद है. हाँ, ओ हो याद आ गया. फक गाइस, ये तो बहुत ही कमाल का है, मतलब मैं जिंदगी में कभी अपना किसी को आधार कार्ड नहीं दिखा सकता. तुमकी ऐसी फोटो देखी हमने, मतलब वो गंदी फोटो, पहचान ही नहीं है लोग आपको. सब बैठे हुए थे, हम सबको आप दिखाओ दादा, आप अपनी फोटो दिखाओ, आधार कार्ड की फोटो दिखाओ. कितने मजे, but what days यार, Pearl we really had fun, seriously we enjoyed, मतलब every day we used to look forward to go to shoot, अच्छा लगता था, लगता नहीं था कि हम लोग काम कर. I know, but रंजन सर का बहुत बड़ा हाथ है हमारी entertainment में. 100% उन्होंने तो एक second भी बिना हंसे रहने दिया. हाँ, वो डांट एक time तो ऐसा था कि वो seriously डांट रहे हैं और हंसी छूट रही है, इतनी हंसी आती थी हमें, बहुत हंसी आती थी यार. हम लोग अभी जब बीच में कभी कभी ऐसे फैमिली सीन्स होने लगते थे तो फिर हंसी नहीं रुकती थी, बेचारे थक के बैठ जाते थे. एक तो हंसा सारे, एक तो हंसी आई, दूसरी को हंसी आई, तीसरा सब हंसे जा रहे हैं, तो फिर ऐसा होता है ना. हाँ, और चीजें याद करो ना, बड़ी 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 मस्ती वाली चीजें हुई है हमारे साथ, हम लोग कितना हंसे. कख याद नहीं है, मैंने चलो मैं याद करता हूँ, खाना मंगवाते थे. मैं जब भी आपके रूम में आती थी, अनीता होती थी वहां पे, और इतना सारा खाना होता था. अरे मैंने कहा ये दोनों फिर शुरू हो गए, मतलब पार्टनर्स इन क्राइम, हम लोगों ने इतना खाया. ओनली डिस्कशंस यू एंड अनीता यूज्ड टू हैव, क्या मंगाएं, वहां से ये ऑर्डर करें, वहां से ये ऑर्डर करें, होपलेस. हम लोग कितना खाते थे, एंड सुरभि घर से खाना लेके आएगी, मैं इतना खाना लेके आती हूँ और पूरा घर का ही खाना खाती हूँ, बाहर का बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ. और हम लोगों ने वहाँ पे लंगर लगा देना, तो अगर आप कुछ मंगवाते भी थे तो मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेती.
हाँ, और मैंने भी सुरभि के घर का बहुत खाना खाया है, बहुत टेस्टी होता है। क्या नाम है आंटी का जो बनाती है? पूरे टाइम फोन पे ऐसे ऐसे फोन आता था किसी का, कहती थी नहीं नहीं आज एक काम करो, फलानी चीज काट के फ्रिज में रख दो और फिर इसको बना दो, फिर ये कर और दो, सूप बना दो और ये कर दो। हाँ आई स्वेयर मैन, मजे आते थे। बहुत फिल्म 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 सिटी में सेव पूरियां और भेल पूरियां और मतलब इतना सब कुछ हो। ओह मेरे को पता है बातें बड़ी सारी याद आ रही हैं, पर मुझे लग रहा है मैं बोल दूंगा तो फिर कहीं खराब ना लग जाए किसी को। है इनडायरेक्टली बोलो, मैं समझ सारी... जाऊंगी, मेरे को देखो बताओ मैं समझ जाऊंगी। मेरा फेवरेट कौन सी बात? जो हॉलीवुड सुपरस्टार ह्यू जैकमैन वुल्वरीन। बस खत्म, हम ये हम दोनों का ही था। एक सेकंड, पता नहीं क्यों मेरा सांस चढ़ रहा है। बस बस बस, मतलब मेरे को ना ऐसी सारी बातें याद आ रही हैं, मैं क्या करूं। मुझे वो कैमरा मैन की शक्ल याद आ रही है, बहुत मतलब बहुत याद आ रही है। हैं, I think I have to call you after this chat and like really all the things यार। हाँ वही तो, वो आधी बातें बोली नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ ओ ओ, ओ आ गया, पॉज हो गया था। कैसे सारा तो डेटा गेमें खेल खेल के आपने उड़ा दिया। नहीं नहीं, वाईफाई बे पर पता नहीं क्यों यहाँ पे थोड़ा सा लो कनेक्शन आ रहा है। घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब बहुत अच्छे हैं, घर ही घर में है सारे। हाँ यार, मेरे मम्मी पापा तो मतलब ऐसे, मतलब फॉर माय पेरेंट्स मुझे सबसे क्वारंटाइन खत्म हो जाए यार। मेरी मम्मी कहती रहती है पापा कोई हेल्प नहीं कराते, कुछ नहीं करते। मैं बोलती हूँ लहसुन ही छील दो, वो भी नहीं करते। अरे मैंने कहा मम्मी क्या है यार, ओह कोई हेल्प नहीं कराते, इज एडोरेबल मैन। और मेरे पापा क्या अलग ही सुबह से शुरू हो जाते हैं वीडियो कॉल। हां वीडियो कॉल, इसका वीडियो कॉल, उसको वीडियो कॉल, आज लाइक ओ माय गॉड। अरे मानते नहीं है, ऊपर से ना अभी जैसे आज मेरा टिकटॉक का ना, एक्चुअली मैंने टिकटॉक पे भी वो किया था लाइव। सो मम्मा बोलते हैं बेटा ये टिकटॉक पे कैसे करना पड़ता है। खा दूंगा कट्टू। एक घंटे के बाद मम्मा मुझे सारा मेरा वीडियो पार्ट पार्ट में भेज रही है टिकटॉक वाला, जबकि वो सेव नहीं होता है। टिकटॉक का लाइव सेव नहीं होता, स्टिल मम्मा ने इंस्टाग्राम से सारे वीडियोस कट कट के निकाल लिए, मुझे भेज दिए। कहता है ऐसे कैसे नहीं होता, सब होता है, देख सारे बच्चों ने डाल दिया पहले ही। वाह एंथू, इतना एंथू पेरेंट्स। मेरे पापा मुझे मेरे इंस्टाग्राम की फोटोज भेज देते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि ये नई नई फोटोज है इंस्टाग्राम की, मैंने तुझे सारी भेज दी है। मैंने कहा पापा मैंने ही डाली है, मैंने देखी हुई है, वो मेरी फोटोज है, मैं ही डाल रही हूँ। मेरे पापा अपनी तरफ से एकदम तेजी से खबरें दी, मैंने तेरे को फोटोज भेज दी है नहीं तेरी। मैंने कहा पापा मेरी फोटोज मुझे ही भेज रहे हो यार, मुझे पता है वो मैंने ही डाली है। बट क्या करो बेचारे, को लगता होता है ये वाली फोटोज हमें मालूम ही नहीं कि ये वाली है अभी हमारी। ओहो खांसी आ गई। हाँ हाँ जी,
वो थोड़ी थोड़ी डस्ट की वजह से भी अभी आ रहा है नेटवर्क। हाँ मैं वाईफाई के नीचे आके खड़ा हूँ कि अब कहाँ जाएगा। हाँ क्या कर रहे हो? ये देखो ये वाईफाई साथ साथ में चल रहा है। मैं इसके नीचे खड़ा ये वाईफाई का सहारा ये रहा मैं इसके नीचे बिल्कुल खड़ा। ओ परफेक्ट परफेक्ट अब नहीं गई अब कहाँ जाएगा वाईफाई बच के यार आप कोई कुकिंग वगैरह ही कर लो ना कुकिंग में आता है कर लो कॉल कि नहीं नहीं आती यार कुकिंग मतलब This is the time. कभी This मतलब लाइफ में इसी बार कुक करने की कोशिश की थी। क्या हुआ? नहीं पर मुझे डर खुद ही लगता है क्योंकि एक बार ही ना मॉम डैड को मैंने चाय बना के पिलाई थी और चाय में पहले दूध रखा दूध में फिर इलायची लौंग चाय पत्ती ग्रीन टी पता नहीं दो तीन तरीके की और चाय जो घर पे रखी हुई थी लीव्स चाय का मसाला और वो सब कुछ डाल के दूध को पका दिया छान के दे दिया। बेचारे मेरे माँ बाप दोनों पी लिए उसके बाद कहते बेटा आगे से मत बनाना। आई स्वेयर बट मैं ये बोल रही हूँ कि यही टाइम है अच्छे से वीडियोस देख के या कैसे करके। अनीता भी ट्राई कर रही है ना उसने रोहित के लिए साबूदाना खिचड़ी बनाई टोटल डिजास्टर और मुझे एक दिन पहले लाइव चैट में बोलती चलो हम ना कुकिंग सेशन करते हैं नेक्स्ट टाइम लाइव और कट टू वन उसने साबूदाना खिचड़ी बनाई रोहित कहता आगे से मत ट्राई करना। ओहो उसको उठाओ उठा के बाहर फेंक दो। वाईफाई को ना मुझे भी ऐसे लग रहा है मैं वाईफाई फेंक देता हूँ बाहर। बिल्कुल उठा के जस्ट गेट आउट डंडा लेके मारना शुरू कर दो है ना। हाँ रंजन सर के घर पे आता हूँ रंजन सर प्यारी प्यारी चार से बातें बोलेंगे वाईफाई को कंपनी वाले कंपनी बंद कर दें। ये वाईफाई जहाँ जहाँ लगा है सबके घरों में तोड़ के आओ। Then, mission, mission Wi-Fi. यार हम अपनी गप्पों में लगे हुए हैं पर्ल सबको थैंक यू बोलो यार people were so so excited about this live chat. Actually यार they're so excited and I'm also very excited. मैं तब से वेट कर रहा था कि हम लोग साथ में कितने टाइम के बाद दिखेंगे सबको। जो आप लोगों ने हमें इतना सारा प्यार दिया अभी भी आप लोग हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं आप लोग हमें देख रहे हैं इतनी सारी बातें लिख रहे हैं जिनका हम रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे लेकिन फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स वी वांट टू थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने अभी तक लाइक नागिन को खत्म होते इतना टाइम हो गया उसके बाद भी अभी तक आप लोग इतना हमें प्यार कर रहे हैं। दिस प्यार आई वांट फॉरएवर ओके या एंड प्लीज कैच लाइव ऑन इंस्टाग्राम Drashti and Mohit and let's see what they have to say to you all. हाँ जी इसके बाद दृष्टि और मोहित आने वाले हैं सो प्लीज जाइए और उनको देखिए लाइव उनसे भी बात कीजिए और सुनिए कि वो क्या बातें कर रहे हैं। हम अभी ट्राई एंड वील डू अगेन दिस लाइव सेशन बिकॉज़ वी कैन टॉक फॉर नॉन स्टॉप और अभी तो कोई शॉर्ट के लिए भी नहीं बुलाएगा so we can definitely have this live chat again with all of you and we love you this is time for us to say bye we want to, we want to thank all of you haan ji abhi awaaz aayi
वाईफाई तोड़ना आपको इसके बाद याद है ना? 100% मैंने छोड़ना नहीं इसको, इसकी कंपनी खराब कर देनी है। चलो बाय गाइस, आई लव यू, बाय। ठीक है, बाय बाय सर्वी, बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिस यू टू मच, 100% वी गोना कैच अप, टेक केयर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, या बाय।